Welcome, I'm Munize Jahangir and you're watching Face Off. Like the rest of South Asia, Pakistan is no stranger to dynastic politics. There are the Bhuttos in Sindh, the Wali Khans in Khyber Pakhtunkhwa, the Muris and Bukhtis in Balochistan, the Sharifs in Punjab and even the Chaudhrys of Gujarat who live here on the prominent Zahoor Elahi Road in Lahore, named after their father and their uncle. Now, despite a disappointing performance in the 2008 election, they have again emerged as potential kingmakers on the national political scene. Let's meet Chaudhry Parvez Elahi, who began his political career as the chairman of the Gujarat District Council in 1983, went on to become Punjab's chief minister under retired General Musharraf, and has even had an eye on the slot of prime minister. Chaudhry sir, thank you so much for joining us on Face Off. You know, now all the PML factions are uniting together. Your party has not joined the All Pakistan Muslim League. Why is that? Because you had a meeting with Peer Pagada sahab. Yeah, usmein Shuja sahab aur Mushair sahab ki mulaqat hui thi Peer Pagada sahab se. Aur inki jo baat hui thi Peer sahab se, wo yahi hui thi ke teen Muslim League hain. एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग हमारी है, एक फंक्शनल पीर साहब की है और एक नून जो नवाज शरीफ साहब की है। तो बाकी जो हमारे लोग अगर उनके पास आते हैं या बैठते हैं तो मिलने में तो कोई किसी को इतराज़ नहीं है, लेकिन हम उनके साथ आपको नहीं मिलेंगे, ये सारे लोग पार्टी में वापस आएँ तो फिर हम आपके साथ इस इशू के ऊपर बैठ के आइंदा लायमल हम इंशाल्लाह बनाएंगे। तो हमें इतराज़ नहीं है पीर साहब के साथ बैठने को, कोई मसला नहीं है, मुस्लिम लीगें इकट्ठी होनी चाहिए, हमें तो कोई इतराज़ नहीं है इकट्ठी हों, लेकिन जो लोग हमारी जमात से गए हैं लाइक माइंडेड ग्रुप, हाँ जी, वो वापस आए हमारी जमात में तब हम बात करेंगे। यही नून वालों से हमारी जो बात शुरू शुरू में हुई थी वो यही हुई थी जब मुशाहिद साहब का इलेक्शन था। और जो पीर पगाड़ा साहब के साथ आपकी पार्टी की बात हुई थी वो इस पे हुई थी कि जितने भी आपके लोग हैं जो उस साइड पे गए हैं, जो लाइक माइंडेड ग्रुप है, उनको वापस लाया जाए, हमारी जमात में वापस आए, तो उनका क्या रिस्पांस रहा है? क्योंकि उन्होंने बड़ी तल्ख अल्फाज इस्तेमाल किए हैं आपकी क़यादत के लिए, आप जिस तरह पार्टी चला रहे हैं उसके पर भी उनकी काफ़ी कुछ तहफ़ात हैं। देखें जी, कोई तहफ़ात नहीं, जब टिकट लिया था तो उस वक्त क्यों नहीं तहफ़ात थे, जब इन्होंने वजारतें ली थी तो उस वक्त क्यों नहीं तहफ़ात थे? मगर उनके तहफ़ात आप दूर करेंगे, क्या आप उनको इंसेंटिव देंगे कि वो वापस आपकी पार्टी में आएं? बिल्कुल, हम उनको ये भी इंसेंटिव दे रहे हैं कि हमारी पार्टी में ना सिर्फ वापस आएं, हम इज़्ज़त से उनको वापस लेंगे और जो उहदे ऑलरेडी वो छोड़ के गए हैं उन्हीं उहदों पर हम उनको बहाल कर देंगे, कोई मसला नहीं है। आपको क्या लगता है वो मानेंगे इस बात पर? इंशाल्लाह, आप देखें आइंदा आने वाले हालात जो हैं ये खुद बहुत इनको मजबूर करेंगे कि ये अपनी अपनी जमात में वापस जाएं। क्या हालात देख रहे हैं आपने कहा आने वाले हालात देखें, क्या देख रहे हैं आप? देखें, क्योंकि ये अब रेलेवेंट नहीं रहे हैं। कौन रेलेवेंट नहीं रहे? ये जो भी फॉरवर्ड ब्लॉग या हम ख्याल या इनकी कोई कोई शिनाख्त नहीं है, ये अपनी शिनाख्त खो चुके हैं और ये भटक रहे हैं कभी इधर कभी उधर, सिर्फ अपनी शिनाख्त की तलाश के हवाले से ये कभी इस तरह के अलायंस और इस तरह की बातें कर रहे हैं। इस तरह शिनाख्त हो नहीं सकती सियासी तौर पे, अपनी पार्टी के अंदर ही इज्जत होती है और वहीं शिनाख्त होती है। चौधरी साहब, बहुत सारे पॉलिटिकल पंडित्स का ये कहना है कि पीएमएल के बहुत ज़्यादा फैक्शन हो गए हैं और अगर आपने अपने ट्रेडिशनल पॉलिटिकल राइवल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शिकस्त देनी है तो आप सबको इकट्ठा होना होगा, जिसके अंदर आपकी जमात, मुस्लिम लीग नवाज़ और जितने भी फॉरवर्ड ब्लॉक्स हैं उन सबको इकट्ठा होना होगा, क्या इसकी हम तवक्को रख सकते हैं? क्यों ये आपकी सोच आई है कि जी वो सारे इस तरह इकट्ठे होके तो एक जमात के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ेंगे? नवाज़ शरीफ साहब ने क्या किया था पिछले इलेक्शन में? वो तो जरदारी साहब के साथ एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर इलेक्शन लड़े थे और जो मोहतरमा की शहादत का इतना पीपल्स पार्टी ने फ़ायदा नहीं उठाया जितना नवाज़ शरीफ साहब ने उठाया। किस तरीके से? हर तरीके से, जो सीटें इन्होंने आपस में सीट एडजस्टमेंट की और सीट एडजस्टमेंट के साथ जब ये इनके साथ बैठे तो लोगों ने ये देखा कि जी मोहतरमा की शहादत के हवाले से उनको
इनके साथ पीपल्स पार्टी के साथ मिल के चलने की एक प्लेटफॉर्म के ऊपर हमदर्दियाँ पैदा हुई और इन्होंने उसका फ़ायदा उठाया। मगर ये बताइए कि अब बाबर अवान साहब के साथ जो आपकी मीटिंग हुई है वो किस तरीके से हुई है, वो उसका क्या व्हाट वाज द थॉट बिहाइंड इट? ये तो उनको पता होगा क्योंकि वो हमारे घर आए हैं। नहीं, वो आपके घर आए मगर आपने एक बयान भी दिया कि हम ये पूरा देखें हमारी ये ज़रा आप देखें हमारी वाहिद पार्टी है जिससे सारे राबता कर रहे हैं। हमारा राबता इमरान खान साहब की पार्टी के साथ भी बाई इलेक्शन के अंदर हुआ और अब भी है, वो अब तो है। वेट उसके बाद नहीं है उसके बाद जमात इस्लामी के साथ भी हुआ हमारा, तो सारी जमातों के साथ है, कोई ऐसी बात नहीं। मगर आपने एक बयान दिया चौधरी, और आपने कहा कि ये हुकूमत अपने 5 साल मुकम्मल करेगी, और अगर ये बयान आपकी तरफ से आता है उस वक्त जबकि ये सारे रूमर्स गर्दिश कर रहे थे कि हुकूमत जा रही है, इसको ख़तरा है, मियाँ साहब जो हैं और सख्त हो गए थे, आपसे ये बयान आना, बड़े से लोगों ने ये कहा कि फिर आपने कोई इनको किसी किस्म की तसल्ली दी है कि आप इनकी देखें। मैं आपको बताऊं कि हम ये चाहते हैं कि ये जैसे हमने 5 साल पूरे किए, हम किसी साजिश का हिस्सा नहीं बनना चाहते, ये भी 5 साल पूरे करें और डिलीवर करें। मैंने तो बाबर अवान साहब को ना सिर्फ अंदर बैठ के ये बात की, मीडिया के सामने बात की कि मैंने इनको कहा है कि आप बेटर परफॉर्म करेंगे, बेटर डिलीवर करेंगे तो ये जमहूरियत की आप खिदमत कर रहे होंगे और इसी में आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी है। उन्होंने आपसे क्या मांगा? तो मैंने उनको यही बात कही है कि हम कोई साजिश का हिस्सा नहीं बन रहे, लेकिन आप कोई अपने आप को अपने मामलात को ठीक करें। और बाकी जो वो तावन की बात कर रहे थे उस हवाले से मैंने कहा कि आप एक कंक्रीट प्रपोज़ल जो है वो ले कर आएँ ताकि हम पार्टी के साथ बैठ के अपने जो कायदीन हैं, रानमा हैं, अपने उनसे मशावरत करके तो फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। किस किस्म की कॉन्क्रीट प्रपोजल का आप देख रहे हैं? जो भी वो लाएंगे, अभी तो नहीं लेके आए। मगर आपकी क्या मांगे थी? हमने कुछ नहीं मांगा, हमें चाहिए कुछ नहीं। उन्होंने आपसे क्या मांगा? मेरी बात सब, ये बहुत से लोग ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि देखें ये नवाज शरीफ साहब जो फ्रेंडली अपोजिशन है इनकी, ये कितना ये इतना कितनी देर तक इन्होंने ये अवाम को धोखा दिए जाना है कि आप उनके साथ कुलेशन पार्टनर हैं, वजारतें इकट्ठी ली हुई हैं पंजाब के अंदर, पीपल्स पार्टी के भी वज़ीर हैं और इनके भी वज़ीर हैं, इकट्ठे हुकूमत कर रहे हैं 2.5 साल से यहाँ बैठ के, और वहाँ ये नंबर 2 किस्म की अपोजिशन हो रही है। चौधरी साहब तो ये मेरी बात सुने ना, हमारे दौर में भी यही स्टाइल था कि फजल रहमान साहब की जमात जो है वो बलूचिस्तान में हमारे साथ कुलेशन पार्टनर थे, फ्रंटियर में उनकी अपनी हुकूमत कर रहे थे और वहाँ वो अपोजिशन लीडर थे, तो क्या फ़र्क क्या है? दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि एसएम जफर साहब और सेनेटर तारिक अजीम जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब से भी मिल रहे हैं, उधर क्या हो रहा है? उधर देखें वो सारा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की गई है, और उसी दिन जिस दिन ये गए हैं पार्टी की तरफ से बयान आया ये पार्टी इसमें बिल्कुल हिस्सेदार नहीं है, यह अपने तौर पे गए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें एसएम जफर साहब हमारे बुज़ुर्ग भी हैं और हमें उनका बड़ा एहतराम है, इज़्ज़त है, उनके साथ थोड़ा गलत जो था बात की गई। तारिक अजीम साहब ने कहा कि जी मैंने शुजात साहब से पूछ ली है, तो उन्होंने कहा है जी कि एसएम जफर साहब को भी साथ ले लें, हालांकि ये बात